हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई नो यू आर डूइंग वेल. सो नाउ वेलकम टू क्विक स्मार्ट एजुकेशन. नाउ फ्रेंड्स, आज के सेशन में लोग सीखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन वैल्यू, एंड इसका रिवर्स पोर्शन में भी सीखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन वैल्यू इनटू परसेंटेज. बिकॉज जो मैंने आपको परसेंटेज सीट दी थी उसमें आप लोगों ने बहुत सी क्वेरी की थी कि सर परसेंटेज वैल्यू हमें याद नहीं हो रही, कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताइए जिससे हम लोग परसेंटेज को भी वैल्यूज़ को हम लोग बहुत ही ईजी निकाल लें. तो प्लीज़ गाइज, आज मैं आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू बहुत ही ईजी स्मार्ट अप्रोच में यहाँ पे निकालना सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं. एंड गाइज, वन मोर थिंग कि आप लोग परसेंटेज वैल्यू को पढ़ने में पूरा दिल जान लगा दीजिए, बिकॉज आपका मैथ जो होता है वो यहीं से शुरू होता है, परसेंटेज टॉपिक से. और अगर आपने परसेंटेज में जान लगा के पढ़ लिया तो मुझे पता है कि आप लोग अदर चैप्टर की जान निकाल लेंगे विद इन अ सेकेंड आंसर निकाल के, क्योंकि परसेंटेज ही बेस है किसी भी सॉल्यूशन को शॉर्ट में करने का. और उसके रिफरेंस में फ्रैक्शन वैल्यू तो बहुत ही ईजी है अगर फ्रैक्शन वैल्यू से हम आंसर निकालें. वही चीज़ें आपको मैंने अपने प्रॉफिट लॉस के वीडियोज़ में सिखाया था कि कैसे हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू में आंसर निकालते हैं, जिसमें मैंने आपको सारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला सिखाया है. सो प्लीज़, अगर आपने मेरे प्रॉफिट लॉस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का प्रॉफिट लॉस का, तो वहाँ से आप देखिएगा कि कैसे मैंने परसेंटेज से हम लोग कैसे इजी अपने आंसर्स पे आए थे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन को. सो प्लीज़ गाइज, परसेंटेज को आप लोग बिल्कुल नॉर्मल मत लीजिएगा, इसके आप क्वेश्चन लगाइए 150 टू 200 पर डे लगाइए, क्योंकि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो फिर आपकी कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कंपटीशन में. ओके, सो प्लीज़ प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट. एंड गाइस, वन मोर थिंग, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा. एंड आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज मैं वहाँ पर भी कुछ नई नई चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ, जस्ट लाइक करंट अफेयर्स से रिलेटेड न्यूज़. एंड माई सेल्फ अमित. सो नाउ गाइस, लेट्स स्टार्ट टू शॉर्ट ट्रिक्स ऑन परसेंटेज वैल्यू इनटू फ्रैक्शन वैल्यू. एक बात बताइए आप लोग हमें कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में परसेंटेज कब सुना? सो आंसर आया कि हमने सर अपने 10th क्लास में जब पास आउट किया था तब हमारे दोस्तों ने हमसे पूछा कितने परसेंट हमारे मार्क्स हैं. तो आप लोगों ने ही बताया होगा कि हमारे 99.99% हैं. किसी दूसरे फ्रेंड ने बताया अपने फ्रेंड से कि मेरे 57.44% हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको 100 में कोई पेपर दे दिया जाए एग्ज़ाम का 100 मार्क्स का, तो आप उसके 99.99 क्वेश्चन कर लेंगे. सो परसेंटेज का मतलब हुआ कि 100 में कितना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, 100 में कितना परसेंट है. तो ये चीज़ें वहाँ से आई कि परसेंटेज आपने अपनी लाइफ में हाई स्कूल में सुना कि हमारे 60% हैं, 70% हैं, 80% हैं एंड 99.99% हैं. सो ये चीज़ें वहाँ से हैं. कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है. मैं सिंपल इजी वे में यहाँ पे आप लोगों को सोल्यूशन बताऊँगा कि हम लोग कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं एंड फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं. बस आप लोगों को कुछ परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए, बस उन्हीं परसेंटेज की जो वैल्यूज़ होंगी फ्रैक्शन वैल्यूज़, उन्हीं के साथ हम लोग खेलेंगे और अपने फ्रैक्शन वैल्यू को जल्दी जल्दी निकालेंगे, क्योंकि सीट इतनी क्वेश्चन उसमें सीट के क्वेश्चन की फ्रैक्शन इतने ज़्यादा था कि आप लोग भी नहीं याद कर पाएंगे. आई नो वो प्रैक्टिस से चीज़ें आएंगी, बट जो आज यहाँ पे आप सीखेंगे वो चीज़ें सिंपल आपको प्रैक्टिस के साथ आप कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू होगा निकाल लेंगे. तो हम लोग शुरू करते हैं. जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 20% कितना होता है. हमने कहा 20% कितना होता है, तो आपने तुरंत बता दिया कि सर 20/100, क्योंकि हमें 100 में कितना है वो निकालना है. तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो ये हमारा आ गया 1/5. तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई हमारी 20% की, हमारी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई है 1/5. अगर मैं आपसे कोई दूसरा क्वेश्चन करूँ कि हमें 20
5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो आप फिर तुरंत 25 डिवाइड बाय 100 कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि 100 में कितना, तो ये आ जाएगा 1/4। ओके, अब हम दूसरा, अगर आपसे परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू पूछे परसेंटेज का, तो अगर हम बोले कि 16 होल 2/3 का हमें फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो गाइस आप भी निकाल देंगे कि 16 3 48 2 50 डिवाइड बाय 3, और हमें पता है कि हम फ्रैक्शन वैल्यू में जब कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड बाय 100 करते हैं। ओके, तो देखिए ये हमारा कट गया 2 टाइम, तो ये कितना आ गया हमारा, ये हमारा आ गया 1/6। तो इट मीन 16 होल 2/3% का हमारा फ्रैक्शन वैल्यू कितने आ गई, 1/6। ओके गाइस, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, अभी मैं देखिए शॉर्ट ट्रिक पे अभी आगे आऊँगा, अभी मैं चीज़ें बेसिक से यहाँ बता रहा हूँ। अगर मैं दूसरा फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से लूँ अगर परसेंटेज का, तो ये हमारा हो गया 14 होल 2/7% का हमें फ्रैक्शन वैल्यू लेना है। सो गाइस देखिए, सो नाउ इसको देखिए करते हैं, तो 14 7 98 2 100, तो ये हमारा कितना आ गया 100 डिवाइड बाई 7, और हमें पता है कि हम लोग जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। सो नाउ गाइस देखिए, यहाँ से हमारी ये 100 100 कट जाएंगे, तो कितना आ गया 1/7, ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी क्योंकि ये बेसिक है, आप भी करते हुए आ रहे हैं हाई स्कूल से लेके इंटर तक, लेकिन अब ये चीज़ें यहाँ पे ख़त्म करनी है क्योंकि हमें कंपटीशन बीट करना है, ना कि यूपी बोर्ड आईसीएससी बोर्ड। ओके, अब हम लोग चलते हैं फ्रैक्शन वैल्यूज़ को कैसे बहुत ही स्मार्ट अप्रोच में निकाल सकते हैं विद इन अ सेकेंड। एंड फ्रेंड्स, एक दूसरा कॉन्सेप्ट है वो भी हम लोग अभी सीख लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक करते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि सर, आप लोग कह देंगे सर 100 से डिवाइड कर देंगे हमारा परसेंटेज होगा। ओके, मैं मानता हूँ, तो आप लोग ये बेसिक चीज़ें कर लेते होंगे। इट मीन्स अगर मैं आपसे कहूँ कि 1/5 को हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम आप लोग सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो आंसर आ जाएगा 20%। इट्स ओके। अगर हम बोलें कि 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो हमारा 25% हो जाएगा। इट्स ओके। नाउ अगर हम कहें 1/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो आप 100 से इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा ये हो जाएगा हमारा 50/3, एंड देन ये आ जाएगा हमारा 16 होल 2/3। सो ये चीज़ें आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं जो करते हुए आ रहे हैं। ओके, लेकिन अब ये चीज़ें आपको यहीं पे ही अब रख देनी है, आगे इसको नहीं ले जाना है। अब हम लोग शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे कि कैसे हम लोग ये जो फ्रैक्शन वैल्यू हमने यहाँ पे दे रखी है, ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 एंड सो ऑन 1/40। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू कुछ चीज़ें बेसिक्स हैं जिनको आपको याद रखना होगा। तो गाइज ये जो मैं फ्रैक्शन यहाँ पे आप लोगों को लिए यहाँ पे रिटर्न है, ये आपको याद रखना होगा। तो कुछ वैल्यूज़ तो आपको यहाँ से याद ही होंगी, लेकिन इन चीज़ों को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स में कि कैसे हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बहुत ही ईजी कन्वर्ट करना सीखेंगे विद इन अ सेकेंड। बताने में टाइम लगेगा हमें, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो आप भी इसे विद इन अ सेकेंड कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बताओ मुझे 3/5 कितना परसेंट है, तो अब थोड़ा सा तो ये कन्फ्यूज़न हो रहा है ना, लेकिन ये बहुत ही ईजी है निकालना। कैसे सीखते हैं कि देखिए यहाँ पे इसकी बेस वैल्यू क्या है। बेस वैल्यू देखिए हमारे पास 1/5 है, और तो देखिए 1/5 हमारी बेस वैल्यू क्या है, 20%। देखिए 1/5 कितना है, 20%। तो हमें 1/5 की फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में अगर बताएं तो ये हमारा 20% है। तो यहाँ से देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई बाई 20। तो यहाँ से ये हमारा कितना आ गया, 60%। तो 3/5 क्या परसेंटेज वैल्यू कितनी आ गई,
60%। सेम एज इट इज़ मैं आपको अगर दूसरा क्वेश्चन कहूँ कि बताओ 4 by 5 कितना परसेंट है, तो आप क्या करेंगे, फ्रैक्ट वन बेस वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 है ना, तो 5 का 1 by 5 कितना होता है 20%, तो हम 20 से यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 80%। सेम अगर हम आपसे कहें कि 3 by 4 का हमें परसेंट वैल्यू क्या होगा, तो देखिए अब यहाँ पे बेस वैल्यू क्या आ गई है, अब यहाँ पे हमारे पास बेस वैल्यू आ गई है 4, तो हमें पता है 1 by 4 कितना होता है 25%। देखिए यहाँ पे गाइज है ना 1 by 4 25%, तो देन हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से और हमारा आंसर, तो ये हमारा 25 × 75%, दिस इज परसेंटेज ऑफ 3 by 4 फ्रैक्शन वैल्यू। सो गाइज अगर मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन करूँ कि इसका हमें परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो आप बहुत ईजी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 by 9 का हमें परसेंटेज कितना है, तो देखिए अब यहाँ पे हमें बेस वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिली, बेस वैल्यू हमें 9 मिली, तो देखिए 1 by 9 कहाँ पे है, 1 by 9 हमारा देखिए यहाँ पे है लास्ट में है ना, तो देखिए 1 by 9 की हमारी बेस वैल्यू कितनी है 11 whole 1 by 9%। सो गाइस तो यहाँ से देखिए इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए अब ये हमारा 11 to 1 by 9 है, तो देखिए ये 4 है और ये 11 है, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कितना हो गया 44, एंड देन अब ये 4 बचा हुआ है इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 by 9%, दिस इज आंसर। ओके नाउ अगर मैं दूसरा क्वेश्चन करूँ कि 7 by 9 कितना प्रतिशत है, तो आप क्या करेंगे, 1 by 9 की वैल्यू हमें पता है कि 11 whole 1 by 9 होता है, तो यहाँ से देखिए 11 whole 1 by 9 होता है, तो देखिए ये 7 है, 7 11 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 77, एंड देन 7 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 whole 1 by 7 whole 9%, दिस इज परसेंटेज ऑफ 7 by 9। आई होप अब आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मैं यहाँ पे कितनी जल्दी जल्दी बेस वैल्यू के थ्रू हम लोग आंसर ले रहे हैं। अगर मैं आपसे अगर दूसरा क्वेश्चन करूँ कि 8 by 9 कितना प्रतिशत है, तो आप फिर आप कहेंगे कि सर 1 by 9 की बेस वैल्यू है हमारे पास 11 to 1 by 9%। सो सिंपल है बस, अब देखिए यहाँ से अगर हम 8 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 88 हो जाएगा, एंड देन 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 by 9%, दिस इज आंसर। सो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, अगर हमारे पास 1 by ये देखिए यहाँ पे हमें बेस वैल्यू कितनी है 9 है, तो हम 1 by 9 की बेस वैल्यू क्या है हमारे पास 11 to 1 by 9 है, तो यहाँ पे हमारे 1 by 9 11, तो देखिए ये 8 को हमने 11 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 88, एंड देन फिर हम लोग ने 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना 8 आ गया, और यही हमारा परसेंटेज वैल्यू हो गई। ओके आई होप कि अब आप इसको जल्दी जल्दी कर पा रहे होंगे। अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लूँ कि 5 by 11 का कितना प्रतिशत है, 5 by 11 कितना प्रतिशत है, सो गाइस अब देखिए यहाँ पे हमें बेस वैल्यू क्या मिली 11, तो 11 देखिए यहाँ पे कितना है 9 by 1 by 9 है, सो देखिए यहाँ से हमें 9 by 1 by 11 है हमारा 1 by 9 11 का परसेंट। तो गाइस देखिए अब यहाँ से देखिए हम 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 45, एंड देन 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 by 11 आ जाएगा परसेंट, सो दिस इज आंसर। ओके अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, बहुत ही जल्दी कर सकते हैं आई होप। सो नाउ गाइस अब चीज़ें आपको यहाँ से ये चीज़ें पता चल गई, तो अब आप ये क्वेश्चन जो मैं कुछ आपको दे रहा हूँ इनको आप ट्राई कीजिएगा,
जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन अगर आपको दूं, 3/11 कितना प्रतिशत है ये निकालिए, एंड देन 4/11 ये निकालिए, 10/11 कितना प्रतिशत है ये निकालिए, एंड 6/10 ये कितना है, ये सब आप फाइंड कर सकते हैं बहुत ही इजी। अब इसमें से मैं आपको एक बता देता हूँ, बाकी आप तीन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है 3/11 अगर हमारे पास है तो इसका कितना प्रतिशत है, ये देखिए फ्रैक्शन है, मैं अभी जो आपको सिखा रहा हूँ फ्रैक्शन को हम लोग कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे 3/11 है, तो देखिए यहाँ पे बेस वैल्यू क्या है 11, तो 1/11 हमारा बेस वैल्यू है, तो हमें पता है 1/11 की बेस जो परसेंटेज वैल्यू थी वो क्या होती है 9/1/11%, सिंपल। तो देखिए अब यहाँ से अगर हम इसको 9:1/11 कर दें, तो देखिए यहाँ से अगर हम 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, एंड देन इसको 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3/11%, दिस इज परसेंटेज ऑफ 3/11 फ्रैक्शन वैल्यू। ओके नाउ ये ट्राई कीजिए। अब हम लोग एक दूसरा कॉन्सेप्ट चलते हैं जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इजी है, आप समझ जाएंगे इस चीज को भी। सो नाउ गाइस अब यहाँ से थोड़ी सी चीजें टफ आएंगी लेकिन इजी वे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कुछ टफ नहीं है, बस थोड़ा सा लेवल है हाई बट लेकिन इजी है। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि 5/8 कितना प्रतिशत है, इसका हमें परसेंटेज निकालना है, तो देखिए अब हमें यहाँ पे तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे बेस वैल्यू क्या है 8, इट मींस 1/8, और हमें 1/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या है 12/1/2%। ये बात तो क्लियर हो गई ना। सो गाइस देखिए अब यहाँ पे इसका मतलब समझिए कि जो ये हमारा 11 सॉरी 12 1 बाई 2 जो है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 12+1/2। सो गाइस अब देखिए अब जो ये हमारा 5 है इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 12×5=60, तो ये 60 हो गया, एंड देन प्लस अगर हम इसको 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/2। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई क्योंकि जो ये ऊपर का पार्ट होता है ये हमारा क्या होता है रिमाइंडर होता है, और रिमाइंडर कभी भी ज़्यादा नहीं होता है। तो गाइज इसको हम लोग चेंज करेंगे इसको फ्रैक्शन वैल्यू में, तो देखिए इसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 2/1/2। तो देखिए ये हमारा 5/2 हो गया क्योंकि तो दूनी 4 और 1 5/2। तो गाइस अब देखिए अब क्या करना है कि जो ये 60 और 2 आया है इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 62/1/2%, दिस इज आंसर ऑफ 5/8। यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होइएगा, अगर आपको ये बेस वैल्यू से अगर ये नंबर ज़्यादा आ जाए तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना है। तो देखिए लास्ट टाइम के जितने भी मैंने आपको फ्रैक्शन कराए थे परसेंट में करो, उनमें ये जो रिमाइंडर होता है ये कम ही था, ये वैल्यू ज़्यादा थी, बेस वैल्यू ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे ये ज़्यादा हो गया है तो इसका मतलब क्या है, इसको भी हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे जैसे मैंने ये कन्वर्ट किया था 2/1/2। तो वहाँ से ये 2 को और ये 60 को हमने ऐड किया, 62/1/2% हमारा 5/8 का परसेंटेज वैल्यू हो गई। ओके एक और देख लेते हैं तो आपको और ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नाउ गाइस अगर हम आपसे कहें कि 5/6 को हमें परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी, मतलब 6/5 कितना प्रतिशत है, तो गाइस अब देखिए क्या करेंगे, हमें सबसे पहले यहाँ पे तुरंत माइंड करना चाहिए कि यहाँ पे बेस वैल्यू पे कौन सी वैल्यू है। तो देखिए बेस वैल्यू हमारा क्या है 6 है, मतलब कि क्या है 1/6 है, और हमें 1/6 की वैल्यू पता है कितनी होती है, देखिए यहाँ पे चार्ट में है 16/2/3%। ओके सो गाइस इसको देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं 16+2/3%। अब देखिए अब क्या करना है,
अब देखिए ये 16 पंचे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 पंचे 80 हो जाएगा, एंड प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको 5 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10/3। अब देखिए यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ गई क्योंकि ये रिमाइंडर हमारा ज़्यादा आ गया है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे फिर से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 होल 1/3%। तो देखिए ये 3 तरह का 9 और 1 10, तो 3 10/3 हो गया हमारा। सो नाउ गाइस अब क्या करना है, अब जो ये 3 आया है और ये 80 इसको ऐड कर देंगे, तो ये 83 एंड देन येलो जो बचा हुआ है 1/3%। दिस इज आंसर ऑफ 5/6 का जो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू है उसकी परसेंट वैल्यू कितनी है, 83 होल 1/3%। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पे कैसे आपको इन चीज़ों से रिलेट कर रहा हूँ, बट प्लीज़ आपको ये चीज़ें जो चार्ट आपके राइट हैंड पे है ये आपको चार्ट याद होना चाहिए 1 to 40 तक, ओके, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपके वर्क को इजी बताएंगी, इजी करेंगी और आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ही परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में हमें टाइम प्रेशर बहुत रहता है एग्जाम में। नाउ गाइस एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट में। नाउ अगर मैं आपसे कहूं कि 4/7, ये हमारा 7 है, 4/7 कितना प्रतिशत है, तो गाइस अब यहाँ पे एक बात हमारे माइंड में आनी चाहिए कि यहाँ पे बेस वैल्यू क्या है 1/7, और हमें 1/7 का परसेंटेज वैल्यू पता है कितना होता है 14 होल 2/7%, जैसा कि देखिए यहाँ पे है ना 1/7 का हमारा परसेंटेज दे रखा है वैल्यू 14 होल 2/7%। अब देखिए अब हम लोग इसको हम लोग यहाँ से 40 + 2/7 लिख सकते हैं। अब गाइस देखिए यहाँ से हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 56, क्योंकि 14 * 56 + 4 * 8/7। सो गाइस अब देखिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई कि देखिए ये हमारा रिमाइंडर होता है ये ज़्यादा हो गया बेस वैल्यू से, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर ये बेस वैल्यू से अगर ये रिमाइंडर हमारा ज़्यादा हो गया तो हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 1 होल 1/7, और सिंपल है। अब जो हमारा देखिए ये 56 है और ये 1 है, ये हम इनको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, और बचा कितना है 1/7%। दिस इज आंसर ऑफ 4/7, ओके। आई होप अब आप ये चीज़ें समझ गए होंगे कि मैंने कैसे हम लोग अपने चार्ट के डायग्राम के हेल्प से कैसे हम लोग ईजी सॉल्व कर ले रहे हैं फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करने में। और अब चलिए सीखते हैं हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स अब चलिए हम लोग सीखते हैं परसेंटेज को चेंज करते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब सपोज कीजिए कि हमने आपको परसेंटेज दिया है 106 होल 2/3% को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करना है, ओके, तो इसको कैसे करेंगे ये चीज़ सीखते हैं। और गाइज आप लोग यहाँ पे इस चीज़ों को सीखिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, और प्रॉब्लम भी होगी, प्रॉब्लम होगी तो तभी आप नया सीखेंगे, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे फेसबुक में हमसे ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। अब देखिए अगर हमें 106 होल 2/3 का हमें अगर फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करना होगा तो हम इसको कैसे करेंगे वो चीज़ यहाँ पे देखिए। अब ये चीज़ है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 100% + 6 होल 2/3% लिख सकते हैं, ये चीज़ें तो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हमने यहाँ पे इनको ब्रेक कर दिया है, ओके। एंड नाउ गाइस अब देखिए हमें पता है कि जो 100% की वैल्यू हमें कितनी होती है 1, इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, अगर 1% हमारा होगा 1 होगा तो हमारा 100% होगा, क्योंकि अगर हम लोग 1/100 की वैल्यू निकालेंगे परसेंटेज में तो ये 100 से मल्टीप्लाई करना, और ये
हंड्रेड हंड्रेड कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, वन, वन बराबर हमारा क्या होता है, 100%। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, ये तो कॉमन सेंस है, हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए 100% हमारा कितना होता है, 100% हमारा 1 होगा। एंड प्लस अब देखिए 6 होल 2 बाई 3 हमारा कहाँ पे है, तो देखिए ये 6 होल 3 बाई 2 हमारा कौन सा फ्रैक्शन है, 1 बाई 15 फ्रैक्शन है। तो यहाँ से ये हमारा क्या, 1 बाई 15 फ्रैक्शन हो गया हमारा, क्योंकि हमें पता है और हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद है कि 6 होल 2 बाई 3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 15 होती है। तो अब बस अब ये चीज़ तो करना इजी हो गया ना, तो देखिए ये 15 एकम 15 प्लस 1 16, 16 सही 16 बटे 15 ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। तो 106 का 2/3% कितना, परसेंट का हमारा फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 16/15। ओके चलिए एक और देखते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर होगा। अगर गाइस मैं आपसे कहूं कि 600 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू लिख के बताइए कितना होगा, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, इसको आप ब्रेक कर दीजिए, 600 प्लस 16 सही 2/3% लिख सकते हैं, और हमें पता है 1% की वैल्यू कितनी है, 1 है ना। अगर 100% की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 600% ये हमारा है तो कितना हो जाएगा, 6। और देखिए ये 16 सही 2/3 हमारा कितना है, तो देखिए 16 सही 2/3 हमारा कितना है, 1/6, तो ये हमारा प्लस 1/6, क्योंकि हमें परसेंटेज वैल्यूज पता है फ्रैक्शन की, तो ये हमारा परसेंटेज में ये फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। एंड नाउ देखिए अब इसको हम लोग सिंपल ऐड कर सकते हैं, 6 36 प्लस 1 37, तो ये कितना, 37/6 आंसर। आई नो अब आप कर सकते हैं, अगर मैं आपको अब कोई सा भी फ्रैक्शन परसेंट को फ्रैक्शन वैल्यू में निकालने को लिए दूँ, तो चलिए निकालते हैं दूसरा भी हम लोग सीख लेते हैं। अगर गाइज अगर मैंने आपको दिया 406 सही 1/4 को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, सिंपल है, 400% प्लस 6 सही 1/4% को हम लोग अलग कर लेंगे। ओके ये चीज़ क्लियर है। देन इसके बाद देखिए 400 का हमारा कितना परसेंट होगा, 4 प्लस, और देखिए ये 6 सही 1/4 हमारा कहाँ पे है, 1/16 में है ना, क्योंकि हमें ये फ्रैक्शन वैल्यू पता ही है, 6 सही 1/4 हमारा है 1/16। अब यहाँ से देखिए इसको सिंपल ऐड कर लेंगे और अपने आंसर पे, सुनाओ गाइस, 16 चौक 64 और 1 65, तो ये हमारा कितना आ गया, 65/16, दिस इज फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 106 होल 1/4। तो यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 65/60। अब देखिए अब आप लोग कर सकते होंगे, क्योंकि अब चीज़ें अब आप लोगों के लिए इजी हो गई होंगी, कैसे हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन बेशर्ते तब कर पाएंगे जब आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होंगी, 1/2 कितना होता है, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 अप टू 40, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ें हैं आपको हेल्प करेंगी जब आप एग्जाम में अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि लाखों बच्चा पेपर दे रहा होगा, कुछ बच्चे परसेंटेज को मैन्युअली कर रहे होंगे, और उन्हीं में से कुछ बच्चे होंगे टैलेंटेड, वो ये चीज़ें कर रहे होंगे, क्योंकि उनको पता है हमें टाइम मैनेजमेंट बचाना है, टाइम मैनेजमेंट करना है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। अब ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि पेपर का लेवल डे टू डे टफ हो रहा है, और देखिए SSC का अब CPU के साथ मर्ज कर दिया है कि एक पेपर होगा और वो CPU में उसी में कन्वर्ट कर दिया है, पहले SSC CPU SI का अलग होता था पेपर, लेकिन अब एक हो गया है, एक पेपर में कंडक्ट कराएंगे SSC और उसके अकॉर्डिंग मेरिट निकलेगी। सो गाइस कुछ फ्रैक्शन वैल्यू मैं और लिख रहा हूँ, उनको भी आप बिल्कुल लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये पेपर में इस टाइप की वैल्यूज के क्वेश्चंस आ जाते हैं,
तो जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ 1/50 का हमें परसेंटेज क्या होगा, 20%। एंड देन अगर हम मैं आपसे कहूँ 5/6 का फ्रैक्शन वैल्यू का हमें परसेंटेज क्या होगा, तो होगा हमारा 83 होल 1/3%। एंड 3/8 हमारा होगा 37 होल 1/2%। सेम एज इट इज़ 5/8 हमारा होगा 62 होल 1/2%। एंड 4/7 हमारा होगा 57 by 1/7%। एंड लास्ट 5/7 हमारा होगा 71 by 3/7%। सो गाइस, ये कुछ परसेंटेज हैं फ्रैक्शन वैल्यू की, इनको आप बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिए, लर्न कर लीजिए और ये चार्ट बिल्कुल याद कर लीजिए। 1/1 हमारा 100% होता है, 1/2 50%, 1/3 33, 1/3 होता है। तो ये चार्ट आपको, अब देखा होगा कि मैंने जितना भी सोल्यूशन किया तो इस चार्ट के हेल्प से किया है। जब ये चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप बिल्कुल, आपको माइंड में ये चीज़ें करने लगेंगे, लेकिन पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। परसेंटेज के साथ खेलिए, क्योंकि परसेंटेज हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज अगर आपका क्लियर रहेगा तो गाइज आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉस, SICI, NDI के हमारे जो परसेंटेज चेंज के क्वेश्चन आते हैं। सो प्लीज़, अभी आप लोग को मैं अभी आगे और डिस्कस करूँगा अपने वाले नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हम परसेंटेज को भी बहुत ही ईजी कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको यूनिटरी मेथड के थ्रू सॉल्व करके दिखाऊंगा परसेंटेज के क्वेश्चन को, ओके। तो गाइस, ये चीज़ें आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें फेसबुक में हमसे ज़रूर पूछिए, जिसका मैं आपको सोल्यूशन ज़रूर दूंगा, ओके।